बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने झारखंड चुनाव व बिहार की विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कई बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी ने कहा है कि झारखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके जेडीयू एनडीए के साथ है और पूरी तरह से एनडीए के समर्थन में वहाँ चुनाव लड़ रही है और एनडीए के तमाम उम्मीदवारों का समर्थन भी करेगी। विजय चौधरी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वहां प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है और निश्चित रूप से अपने उम्मीदवार के साथ एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में नीतीश कुमार भी प्रचार में जा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, आइए सुनाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में तो हम लोगों की घोषित रणनीति है और नीति दोनों चीज़ स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के अभिन्न हिस्सा हैं और वहाँ भी हम लोगों का समझौता बिल्कुल एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ है और वहाँ पर सीटों का बंटवारा भी हो गया है जो कौन सी पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी और हम लोगों के हिस्से में 2 सीटें आई हैं और दोनों सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय ही हैं। जो पार्टी के जो अधिकृत पदाधिकारी होंगे वो आपको सूचना दे देंगे। इसलिए झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जैसा कि हमने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में पूर्ण समझदारी के साथ एकजुट हैं और साथ चुनाव लड़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब एनडीए के सारे घटक दल साथ समझदारी के साथ लड़ते हैं तो इसके मुकाबले कहीं भी कोई दूसरा दल टिक नहीं पाता है और यही स्थिति झारखंड में होने जा रही है। जो हमारे जनता दल यू के 2 उम्मीदवार होंगे जो जमशेदपुर पश्चिमी और धमार विधानसभा क्षेत्र से, वो दोनों तो निश्चित जीतेंगे और उनके साथ ही अधिकांश एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे और स्वाभाविक रूप से वहाँ भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम समझते हैं कि अब तो कम ही दिन बच गया है। 23 तारीख को शायद गिनती है, 23 नवंबर को सारे नतीजे आ जाएंगे, उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाए। जेएमएम और कांग्रेस ने तेजस्वी को पूछा तक नहीं सीट बंटवारे की कार्यक्रम में घोषणा, नहीं ये तो अब उन लोगों के आपस की बात है, अब वो लोग उसको सलटने की व्यवस्था करेंगे या जो उचित समझेंगे। हर दल स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी समझदारी से काम करने के लिए। हालांकि हम लोग की जो सोच है कि उस हिसाब से जब सिद्धांतों में एकता नहीं होती है या आपस में समझदारी का अभाव होता है तभी ऐसी स्थिति आती है, और अगर ऐसी स्थिति बिल्कुल सतह पर हो यानी सार्वजनिक हो तो वो गठबंधन सही मायने में बिल्कुल कमजोर और बिना किसी काम के होता है। और जब उन लोगों ने स्वयं अपने निर्णयों से या अपने आचरण से बता दिया है कि हम लोग की समझदारी आपस में बराबर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब जो दूसरे अब महागठबंधन या जो भी उनका नाम है, जब दलों के बीच आपसी समझदारी ही नहीं है, आपस में ही बिखराव है, अभी से टूट के लक्षण दिख रहे हैं,
तो ऐसे गठबंधन पर झारखंड की जनता कैसे भरोसा करेगी, यह तो किसी के समझने की बात है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ पर हम लोगों का मतलब एनडीए का बीजेपी के नेतृत्व में जीत अभी से ही सुनिश्चित पड़ती है। एक आदमी बेलागंज सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पे यहाँ ये चरित्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रचार में तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे इसका फैसला वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है, जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार के तरफ से भी अनुरोध है, और इस पर आगे आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार या अभियान की गतिविधियां तेज होगी तब मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि दो सीटें झारखंड में जेडीयू को मिली है, इससे वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि एनडीए के साथ उन्हें चुनाव लड़ना है और एनडीए ने जो दो सीटें उन्हें दी है वो पर्याप्त है। हालांकि इन मांग 11 सीटों पर थी, लेकिन दो सीटों के मिलने पर भी ये अपनी संतुष्टि जता रहे हैं और कहा है कि निश्चित रूप से दो सीट जेडीयू के जो खाते में है वो तो जीतेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही एनडीए की तमाम सीटों पर जीत होगी और भारी बहुमत से एक बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।